डॉलर स्कैम, लोकल मार्केट में ही 1 मिलियन डॉलर है, मतलब 0.1 मिलियन डॉलर, 1 लाख डॉलर, 1 करोड़ की वेबसाइट बिकी थी, जिसका ट्रैफिक और 99% ट्रैफिक फ्रॉम फैन पेजेस पेजेस था। ठीक है, बायर पे डॉलर, बट ही डिड नॉट नो दट मेन ट्रैफिक एलिमेंट एंड दोज वर द फैन पेजेस, ही ओनली गेट द मेन फैन पेज बट डिड नॉट गेट द रिमेनिंग बिग फैन पेजेस। सो आफ्टर 1 or 2 months, his site earning, which was generating dollar, I think it was 10K or more a month, goes up to less than $100 a month। समझे कि जनाब क्या हुआ, उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दी और 1 करोड़ की वेबसाइट ले ली, लेकिन जो सेलर था उसने सारे फैन पेजेस नहीं दिए जहां से वो ट्रैफिक सेंड कर रहा था उसके ऊपर। कुछ अर्से तक, जब 1 month 2 month तक वो उसने ट्रैफिक भेजता रहा सेलर, ताकि वो जो है ना बायर चढ़ता रहा। आफ्टर दैट उसने आस्ते आस्ते फैन पेजेस रिमूव करना शुरू कर दिए, राइट। अब क्या है यहां पे, देखें यहां पे अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इतनी अमाउंट के अंदर, या जो भी अमाउंट मैंने चार्ज की और वो मुझे चार्ज पे कर रहा, चाहे मैं उसके लिए $10,000 चार्ज कर रहा था या $5,000 या $100 चार्ज कर रहा था, तो लीगली और एथिकली तो मेरा ये हक है, या मैं ये चाहता और मुझे ये करना चाहिए था कि मैं उसको सारी चीजें देता जिसके लिए वो पे कर रहा है। ठीक है, तो वो मेरे लिए इनकम भी वो हलाल हो जाती और वो मुझे बेनिफिट होती, और जो बायर है उसके लिए भी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती जो होना चाहिए, राइट। अब इसमें भी दो तरह की लोग बन जाते हैं। एक लोग कहते हैं कि भाई ये बायर की गलती है कि उसने सारी चीजें नहीं मांगी, और कुछ कहते हैं कि भाई ये जो है ना सेलर की गलती नहीं है, उसने नहीं दी, बायर को चाहिए था। ठीक है, तो कहीं पे आपकी जो है ना आ जाती है, और कहीं पे बिजनेस के नॉर्म्स भी आ जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आपको पता है, आपको पता है कि ये चीज इससे सर्वाइव नहीं करेगी, तो आपका ये राइट है और आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरे बंदे को बताएं। ठीक है, कि ये चीज किस तरह वर्क करेगी, अगर उसके बाद भी उसको लेता है तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप चीजें हाइड करेंगे और चीजों को छुपाएंगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो ये जो है ना मेरे ख्याल से अच्छा बिजनेस नहीं है। बाकी हर किसी की अपनी राय है। तो अब ये क्या है, अब ये बिजनेस अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहा था, लेकिन सारा ट्रैफिक सोशल मीडिया से था, उसने सेल भी कर दी वेबसाइट, लेकिन बायर जो है ना वो स्कैम हो गया, उसको बेसिकली कोई फायदा नहीं। और ये आपके लिए भी एक टिप है, आपको भी एक सजेशन है कि आप जब बाय करने जाओ तो हमेशा आपने ट्रैफिक और या वेबसाइट्स को वो देखना जिनका सोर्स ऑफ ट्रैफिक जो है वो सर्च इंजन से हो, या जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है, कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा सेफ है। रीजन कोई बताएगा व्हाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक?